जद्दिल हसने वल हुसैन साहिबे पाव हुसैन इमामहू मशारिक मगारिब वबदनी साबिर वलिसानी जाकिर وقلب شاكر والأمهات الطواهر الذين لا يذهبا عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وجلالهم وولايتهم وشجاعتهم وتشم أجمعين فاتح باب خیبر قاتل مرد و انتر شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكتابه العظيم وفي قرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج حشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات محمد برادران ملت ظاہر ہے خمسہ مجالس جو بسلسلہ سرکار سید الشہداء برپا کیا گیا ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد ظاہر ہے جو مجالس سرکار حسین ابن علی کی مناسبت سے گزارش کی جا رہی ہے ظاہر ہے مجالس اپنے فضائل و مصائب کے اعتبار سے مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ مومنین تاراگڑھ نے الحمدللہ اچھی مرثیہ خوانی کری اور اچھی پیشانی کری اللہ ان سب کو سلامت رکھے ان سب کو خوش رکھے اور ظاہر ہے جس سلسلے کو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے وہ جو جملہ ہے وہ سرکار حسین ابن علی کا جملہ ہے جو امام حسین نے کربلا بنانے سے پہلے مقصد کربلا کو بیان کیا ہے یہ جو آج فرش عزا جس کے اوپر ہم اور آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں اور مجلس کر رہے ہیں اس فرش عزا کو بہت گلے سے لگایا کرو اور اس کا احترام کیا کیجیے اس لیے کہ یہ فرش عزا اس کی قدر و قیمت وہ افراد نہ بتا پائیں گے جنہوں نے گاڑیوں میں بیٹھ کر سفر کیا ہو اس فرش عزا کی کیا قدر و قیمت ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے گا اور اسلاف سے معلوم کریے گا لوگوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں تب جا کے یہ فرش عزا بچا ہے لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی ہیں تب جا کے یہ فرش عزا بچا ہے لوگوں نے اپنی اولادیں بیچی ہیں تب جا کے یہ فرش عزا ہمارے ہاتھ آیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فرش عزا کے لیے میں پیغمبر اسلام کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کروں کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا
बेशक कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में जो आग रोशन हो गई है, ला तबर्रुदो अबदा, ये आग कभी भी खामोश नहीं होगी। ये पैगंबर इस्लाम का फरमान है। भैया थोड़ा सा यहाँ बैठ जाओ, मजलिस हो जाए, उसके बाद जो है वो काम कर लेना। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले वाले। पैगंबर का फरमान है कि कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में जो आग रोशन हुई है, ला तबर्रुदो अबदा, ये आग कभी भी ठंडी नहीं हो सकेगी। पैगंबर इस्लाम का ये जुमला बतला रहा है कि इस आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। जो आग मोमिनीन के दिलों में कत्ले हुसैन से भड़क गई है, लेकिन जमाना गवाह है, इस जिक्र को मिटाने वाले मिट गए, तब तो ताज खत्म हो गए, हुकूमतें खत्म हो गई, मगर ये गमे हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शानो शौकत से कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। और मैं एक जुमला और कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ गमे हुसैन ही नहीं, जिक्र हुसैन ही नहीं, बल्कि मैंने कहा ना कि फर्श अज़ा की कदर व कीमत को पहचानिए, और वो कदर व कीमत क्या है आप खुद अंदाजा करेंगे इस बात से कि जिस दौर से ये कर्बला हुसैन ने बनाई है, उस दौर से लेके आज तक जो काम बातिल ने बड़ी पाबंदी से किया, वो ये किया कि किसी भी तरीके से ये जिक्र हुसैन रुक जाए। लोग जो कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ये भी रुक जाए, जमाना गवाह है। मैं खिताबत की रो में नहीं कह रहा हूँ, तारीखी हकायक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि आप तारीख उठा के देखें, तारीखों ने और बाकायदा बातिल हुकूमतों ने कानून बनाया कि जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा, उसे टैक्स देना होगा, जमीनें देनी पड़ेगी, जायदाद देनी पड़ेगी। जमाना गवाह है, लोगों ने अपनी जमीनें बेची, टैक्स भरा, ज़ियारत के लिए गए। तवज्जो, बातिल का मकसद पैसा कमाना नहीं था। अगर मकसद पैसा कमाना था तो पैसा तो आ ही रहा था। मकसद पैसा कमाना नहीं था, मकसद ये था कि किसी भी तरीके से ये ज़ियारत जो कब्र हुसैन की हो रही है ये रुक जाए। लिहाजा उस रुकने के लिए उसने जमीनें मांगी, लोगों ने जमीनें दे दी, लोगों ने जायदाद मांगी, जायदाद दे दी। अब बातिल हुकूमत आगे बढ़ के कहती है कि अब जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा, उसे अपने हाथों को कलम करवाना होगा। ऐलान करके अपने वजीर को बुलाया और बुला के कहा, सुनो अब जो मैंने ऐलान कर दिया है कि अब जो भी कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा, उसे अपने हाथों को कलम करवाना होगा। आज तक मैंने इनसे जमीनें मांगी थी, ये जमीनें देते थे, अब इनसे मैंने हाथ मांग लिया है, अब देख लेना कल से कोई नजर ना आएगा। बादशाह सलामत ये ऐलान करके सो गया। अभी सुबह नबूदार न हुई थी, वजीर ने शाना पकड़ के हिलाया, सरकार उठिए, बाहर का मंजर देखिए, ये कतार, ये भीड़, ये झुंड, ये गिरोह के गिरोह, ये सारे का सारा लश्कर परेशान। बादशाह ने कहा, मैंने तो इनसे हाथ मांगा था। वजीर ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार आपने तो इनका मसला ही हल कर दिया, कल तक आपने इनसे दौलत मांगी थी तो सिर्फ अमीर आ रहा था, गरीब अपने घर में बैठा था। सरकार आपने तो इनका मसला ही हल कर दिया। तवज्जो चारों, सरकार आपने तो इनका
मसला ही हल कर दिया। माइक साथ नहीं दे रहा है, आप साथ न छोड़िएगा, तवज्जो चाह रहा हूं। सरकार आपने तो इनका मसला ही हल कर दिया, इसलिए कि कल तक इनसे जमीनें मांगी जा रही थी, दौलत मांगी जा रही थी, मगर जो गरीब था मेरी तरफ देखिए, वो अपने दिल को मसोच के बैठ गया था, मगर सरकार आपने तो इसलिए मसला ही हल कर दिया, इसलिए कि किसी के पास कुछ हो या ना हो, हाथ तो सबके पास है। लिहाजा अब यहाँ तक शायद ये बातें नौजवानों को किताबों में मिलेंगी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको किताब में देखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात आपको मिल भी जाएगी। लिहाजा किसी भी तरीके से कब्रे हुसैन की जियारत रुक जाए। लोगों ने अपने हाथ कलम करवाए, कब्रे हुसैन की जियारत के लिए गए, यहाँ तक आप साथ हैं। अभी कुछ बरस पहले दुश्मनान इस्लाम का एक गिरोह दाइश की शक्ल में इराक पे काबिज होके कहता है कि इस मर्तबा जो भी जियारत के लिए आए संभल के आए, हम बमबारी करेंगे, हम बलाश करेंगे, हम किसी को वापस न जाने देंगे। अब जो भी आए अपने सर पे कफन बांध के आए, तारीख गवाह है, पुरानी बातें नहीं है। मालूम कर लीजिएगा, दुश्मन इस्लाम के इस ऐलान से पहले जायरीन की तादाद लाखों में थी, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में हो गई। सायरीन के तवज्जो था, ये कोई खिताबत का जुमला नहीं है जो मैंने पढ़ दिया, सिक्का रायजुल वक्त है। तारागढ़ वाले मुझे बारहा सुन चुके हैं, ये सिक्का रायजुल वक्त है, ये हर दौर में चलेगा, ये सिक्का रायजुल वक्त है, हर दौर में चलेगा, ये पुरानी बातें नहीं है। लिहाजा जो भी आएगा संभल के आएगा, इस ऐलान से पहले तादाद लाखों में है, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में हो गई। इसमें कमाल किसका है, यहां तक लाना था मुझे आपको, इसमें कमाल किसका है? आप ये सोच रहे हैं आपका कमाल है, मैं ये सोच रहा हूं मेरा कमाल है, नहीं, ना तुम्हारा कमाल ना हमारा कमाल। ये कमाल तो कोले पैगंबर का है, ये कमाल तो कोले पैगंबर का है, इसलिए कि पैगंबर कह के गए हैं कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में जो आग भड़केगी, बातिल उसको मिटाना चाहेगा मगर ये आग मिटेगी नहीं। अरे लालायको, तवज्जो, काश मेरा जुमला बोले, अरे लालायको अपनी हैसियत को देख लो, कोले पैगंबर की आबरू देखो, तुम गलत हो सकते हो, पैगंबर का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक जुमला मैं और कहूंगा कि सरकारे हुसैन इब्ने अली ने, जाहिर है वक्त होता जा रहा है, आपकी समाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, मैं कोशिश करता हूं आप तक बात पहुंचाने की। सरकारे हुसैन इब्ने अली ने, जाहिर है हम और आप जब बिना मकसद के अपने घर से बाहर नहीं निकलते, बिना मकसद के कभी कोई घर से बाहर नहीं निकलता, तो आप खुद सोचिए जो जमाने का इमाम हो वो बगैर मकसद के अपने घर से बाहर निकल जाएगा। कभी तो सोचा करो, करबला सुनाना करो, समझा करो, सुनना अलग है समझना अलग। लिहाजा हुसैन इब्ने अली जब करबला बनाने के लिए घर से निकले तो हुसैन ने मकसद करबला पहले बताया। वो मकसद करबला क्या है? इमाम हुसैन ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुला के एक जुमला कहा, और सरकार की ये वसीयत है, और जो तहरीरी वसीयत है जो हर किताब में मिल जाएगी। इमाम हुसैन ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुला के कहा, मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला मुफसिदा, ए मेरे भाई मैं मदीने से इसलिए नहीं निकल रहा हूं कि मैं खुरेजी करूं, मैं फसाद बर्पा करूं, मैं जंगो जिदाल करूं, मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, बल इन नमा खरज तो ले तलबिल
اصلاحِ فی امتِ جدی، بلکہ میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ یہ ہے مقصدِ کربلا، جو حسین نے کربلا بنانے سے پہلے مقصدِ کربلا لوگوں کو بتایا۔ اے کربلائیوں، اے عزاداروں، حسین نے کربلا اس لیے نہیں بنائی کہ لڑائی جھگڑا ہو، فساد ہو، جنگ و جدال ہو، مخالفت ہو۔ حسین کا مقصد ہے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ لہٰذا حسین یہ وصیت نہیں کر رہے ہیں، قیامت تک کے جوانوں کو قانون بتا رہے ہیں کہ دیکھو سماج اور معاشرے میں جو بھی لڑائی کرتا ہوا ملے، جو بھی فساد کرتا ہوا ملے، جو بھی جھگڑتا ہوا ملے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ وہ حسینی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اب یہاں تک آپ آ گئے، اب دو تین جملے سن لیجیے تسلسل سے اور مجھے اجازت دیجیے۔ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میدان کربلا جا رہا ہوں۔ اب امام حسین ایسے نہیں کہ بس چلے گئے، اس لیے کہ معصوم بنا مقصد کے قدم نہیں اٹھا پاتا۔ ہر مقصد میں اور ہر قدم میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آخری کربلا ہے۔ اب اس کربلا کے بعد کوئی دوسری کربلا نہیں ہوگی، یہ کربلا ساری جنگوں کی آبرو بچائے گی، یہ کربلا ساری جنگوں کی آبرو بچائے گی۔ اب سے پہلے ایک جنگ ہوتی تھی، دوسری جنگ ہو جاتی تھی۔ جیسے قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، امام آخر کے بعد کوئی دوسرا امام نہیں آئے گا، ویسے کربلا کے بعد اب دوسری کربلا نہیں ہوگی، یہ کربلا آخری کربلا ہے۔ اب جب کربلا امام حسین نے بنائی تو اکثر و بیشتر لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ تذکرہ امام حسینی کا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، یہ سوال کرتا غیر کرتے تھے تو سمجھ میں آتا تھا، اب تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ اپنا ہی آدمی سوال کرتا ہے۔ سرکار یہ بتلائیے آپ حسینی کا غم سب سے زیادہ کیوں مناتے ہیں؟ تو سنیے، اللہ نے نبیوں کی ہدایت کے لیے 124,000 نبی بھیجے۔ توجہ، حیرتی نگاہوں سے نہ دیکھیے، وقت کی تنگی ہے ورنہ مجلس تو کہیں اور چلی جاتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، 124,000 نبی اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجے۔ ان 124,000 نبیوں میں اللہ نے قرآن مجید میں 27 نبیوں کا ذکر کیا یا 32 نبیوں کا ذکر کیا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ان 27 یا 32 نبیوں میں اللہ نے سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا؟ یا تو جناب ابراہیم کا کیا یا جناب موسیٰ کا کیا۔ پروردگار، یہ سارے کے سارے نبی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ان کا نام لکھ دے۔ آواز پروردگار آتی ہے، نہیں، 27 نبیوں کا نام لکھا جائے گا۔ پروردگار، 27 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ ذکر جناب ابراہیم کا، جناب موسیٰ کا۔ آواز پروردگار آتی ہے، سنو، میں نے قرآن میں قانون بنایا ہے، جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے گا اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوگا۔ بخدا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سیدیوں کے جملے نہیں ہیں، کتابوں کے الفاظ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے تاکہ لفظ پہنچ جائے۔ پروردگار کہتا ہے ہم نے قرآن میں قانون بنایا ہے، جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے گا اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا۔ ابراہیم وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے، موسیٰ وہ جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے۔ اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے حسین کا ذکر سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے، ارے حسین وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے۔ اب ظاہر ہے، اب الحمدللہ آپ اتنا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کا شکریہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسین نے کربلا بنائی، ابھی پیشوان حضرات بھی اس فکر کو پیش کر رہے تھے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو خطابت میں کتنا سنتے ہیں۔ کربلا کی لڑائی اگر کوئی تھی تو صرف یہ تھی، میری طرف دیکھیے، وہ جلدی بات ختم کر رہا ہوں،
लड़ाई ये थी कि यजीद ये चाहता था कि हुसैन इब्ने अली अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दे, जिसको कहा जाता है बैयत। बैयत अरबी में बै से बना है, बै अरबी में बेचने को कहते हैं। यजीद ये चाहता था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दे, मेरी तरफ देखो। यजीद ये चाहता था कि हुसैन इब्ने अली अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दे। इमाम हुसैन कहते हैं मैं ये हाथ तेरे हाथ पे नहीं रख सकता, इसलिए कि यह हाथ मेरा नहीं है। मेरी तरफ देखो ताकि तकरीर का लुत्फ आ जाए। ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ आदम का, ये हाथ नूह का, ये हाथ इब्राहिम का, ये हाथ मेरे बाबा का, ये हाथ मेरे नाना का, ये हाथ मेरी माँ का, ये हाथ मेरे भाई का, ये हाथ नबियों का, ये हाथ वलियों का, ये हाथ इमामों का। सर मेरा है ले ले। है हाथ मिन्नत जिल्ला, है हाथ मिन्नत जिल्ला। तवज्जो चारों मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। ये हाथ मैं तेरे हाथ पे नहीं रखूंगा, इसलिए कि ये हाथ नबियों का, ये हाथ वलियों का, ये हाथ इमामों का। सर मेरा है ले ले। अब जमाना हमसे न पूछे ये अलग पे पंजा क्यों लगाया जाता है, मौला करबला के लिए साथी कौन से लिए हैं? तवज्जो, काश अगर तकरीर आप तक पहुंच गई तो इंशाल्लाह अगले बरस तक याद रहेगी। इमाम हुसैन आवाज देंगे अब हम करबला बनाने के लिए आए हैं, इसलिए कि इस करबला के बाद कोई दूसरी करबला नहीं होगी। तो जो गलतियां पिछली जंग में हुई है वो गलतियां इसमें ना होंगी। मौला कौन सी गलती हुई है? था पिछली जंगों में मुनाफिक था, करबला में मुनाफिक ना होगा। नहीं, मैंने बहुत जिम्मेदारी से ये जुमला कहा, रवा रवि में थोड़ी पढ़ दिया कि आपने तारीफ कर दी। मुनाफिक नहीं आएगा करबला में, मेरी तरफ देखिए। मुनाफिक कौन? मुनाफिक नफा से बना है। नफा अरबी में उस चूहे को कहते हैं। जब बिल बनाता है खेत में तो इसके दो दरवाजे होते हैं। अगर किसान इधर से लाठी चलाए तो ये इधर से निकल जाए, अगर इधर से लाठी चले तो इधर से निकल जाए। समाज और माशरे में फर्शी अज़ा पे बैठने वाले को हक है कि वो अपने समाज और माशरे में जो भी मुनाफिक मिजाज हो उसके चेहरे से नकाब को खींच लो। हम मुनाफिक नहीं आने देंगे, मुनाफिक नहीं आएगा। और कैसे मुनाफिक है बतलाऊं मैं आपको। अब जाहिर है कि मैं इमाम जुमा भी हूं, लिहाजा मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है, लिहाजा मैं जुमला कहूंगा। जानते हैं समाज और माशरे को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने दिया है तो मस्जिद के कबूतरों ने दिया है। मेरा अंदाज यही है, जो मुझे बारहा सुन रहे हैं वो जानते हैं मेरा अंदाज यही है। आप कैसे सुने, बुलाए ना बुलाए, नो टेंशन, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बैक साइड बहुत मजबूत है। हाँ सब जानते हैं, जो मुझे वतन से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई है, डीजे है, नो टेंशन है। मैं जो कहूंगा सही कहूंगा। सबसे ज्यादा समाज और माशरे को खतरा इन मस्जिद के कबूतरों से हुआ। कौन है ये मस्जिद के कबूतर? हर समाज में मिलेंगे ये मस्जिद के कबूतर। वो है
वक्त अजान बाद में होता है, ये पहले पहुंच जाते हैं, जगह पहली सब में ले लेते हैं। अगर किसी दिल बेशिमाम हल्की सी ताखीर कर दे या ना आए उसरे शरीक की बुनियाद के ऊपर, तो ये साहब मस्जिद में मावेला बचा देते हैं। बड़े नमाजी है, बड़े रोजेदार है, बड़े हाजी है, बड़े करबलाई है, इलाके में लोग इनका एहतराम करते। मैंने कहा इतने बड़े नवासी, इतने बड़े रोजेदार, अरे साहब ये मस्जिद के कबूतर है, ये बाहर ही नहीं निकलते। हमने कहा जरा इनके करीब को जाके देखे। अब जो हम इनके करीब गए और इनके गिरेबान में मुंह डाल के देखा तो एक बात समझ में आई, नमाजी एक नंबर के है मगर अम्मा से बोलचाल नहीं है। नमाजी एक नंबर के हैं मगर अम्मा से बोल चाल नहीं है। रोजा एक भी नहीं छूटता मगर चचा को सलाम नहीं करते। हज करके आते हैं कभी अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते। हर साल करबला जरूर जाते हैं, कभी खानदान वालों के पास नहीं पहुंचते। अगर कोई गरीब बता भी देता है हम आपके रिश्ते होंगे, हम जानते नहीं। करबलाई है, करबलाई है, नमाजी है, रोजेदार है। मेरी तरफ देखना, अगर मैं गलत कहूँ मेरी इस्लाह कर देना। अल्लाह ऐसे आबिदों की इबादतें उनके मुंह पे मार के कहेगा जब तुम उनके ना हुए जिनका होना चाहिए था, मेरे कैसे हो जाओगे। होशियार रहिएगा इन मस्जिद के कबूतरों से, तवज्जो चाह रहा है। लिहाजा इमाम हुसैन कहते हैं अब हम करबला बना रहे हैं। मेरी तरफ देखिए, करबला का लुत्फ लीजिएगा। अब इस करबला के बाद कोई दूसरी करबला नहीं बनेगी। लिहाजा जो गलतियां पिछली जंगों में हुई है वही जंग में नहीं होगी। मौला क्या करिएगा, मौला आपने लिया भी तो है तो बहुत कम लोगों को, खुद को मिला ये 72 साथी। मौला करबला बनाने जा रहे, करबला मौला लश्कर लीजिए, भीड़ लीजिए, फौज लीजिए, लोगों को बुलाइए, ज्यादा लोगों को बुलाइए। इमाम हुसैन आवाज देंगे मुझे मजमा नहीं चाहिए, लश्कर नहीं चाहिए, कतार नहीं चाहिए, इसलिए कि मजमा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। अब एक बात समझ में आ गई कि अगर तारीफ करवानी है तो बहुत पूरी ताकत से बोलना। हाँ यही तो है, इमाम हुसैन कहते हैं मजमा, मेरी तरफ देखो, हमें मजमा नहीं चाहिए, लश्कर नहीं चाहिए, मजमा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। गदीर में मजमा था, लश्कर नहीं चाहिए, मजबा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। गदीर में मजबा था, काम नहीं आया। पैगंबर का जनाजा रखा रहा, मदीना भरा हुआ था, कोई ना आया, इसीलिए तो शहजादी ने मना किया। अब असल इन लोगों को मेरे जनाजे में ना आने देना, जो मेरे बाबा के जनाजे में ना आए वो मेरे जनाजे में नहीं आने चाहिए। मजमा कभी भी आले मोहम्मद के काम नहीं आया। इमाम हुसैन कहते हमें मजमा नहीं चाहिए, तो मौला आपको क्या चाहिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं इंतजार कर रहा हूँ जुमले का जो मेरे बाबा ने नहजुल बलागा में मकामे शिकवा पे कहा। मेरे बाबा ने नहजुल बलागा में मकामे शिकवा पे कहा, मौला अली फरमाते हे परवरदिगार काश के मुझे एक मालिक अश्तर और मिल जाता। मजमी मजलिसी मजमा है, ए मेरे परवरदिगार काश के मुझे एक मालिक अश्तर और मिल जाता, मुझे दुनिया में किसी दूसरे की जरूरत न होती। तवज्जे तवज्जे, अगर मुझे एक मालिक अश्तर और मिल जाता मुझे दुनिया में किसी दूसरे की जरूरत न होती। हुसैन ने आवाज दी बाबा बहुत ढूंढने के बाद आपको एक मालिक अश्तर मिला, हम 21 साल के बाद 71 मालिक अश्तर लेके आ रहे हैं। 71 मालिक अश्तर,
हमें मजमा नहीं चाहिए, हमें कतार नहीं चाहिए, कम हो मगर सब हुसैनी। मेरा वक्त तमाम हो गया, मजबूरी है, लीजिए बात को समेटता हूँ। कम हो मगर सब हुसैनी हो, इसलिए कि एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। खिताबत का जुमला है नहीं, तारीख का जुमला है। कम हो मगर सब हुसैनी हो, इसलिए कि एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। मेरी तरफ देखिए, एक हुसैनी हजारों पे भारी होता है। मामून ने इब्ने सुकैर से सवाल कर लिया, ये बतलाओ कि तुम मेरे अमल को कुरान के अमल बतलाते हो, ये बतलाओ कि मेरे बेटे अफजल है या अली के बेटे अफजल है। इब्ने सुकैर कहता है, तू मुझसे ये सवाल न करता, अगर तूने सवाल कर लिया तो सुन, मुझे एक मैदान में ले जाया जाए और उस मैदान में एक तराजू को लत किया जाए, तराजू के एक पल्ले में तेरी पूरी दौलत को रखा जाए, तेरे पूरे लश्कर को रखा जाए, तुझको तेरे बेटे के साथ रखा जाए, और तराजू के दूसरे पल्ले में अली के गुलाब कंबर की जूती रख दी जाए। बुलंदरीन सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, अब हम करबला बना रहे हैं। अब करबला जाहिर है, जब पूरी मसलहत के साथ बनी है तो करबला के अपने अपने अहदाफ मकासद, बगैर मकसद के मासूम कदम नहीं उठाते। इंशाल्लाह मौका मिला तो करबला के हर शहीद के करबला में आने का मकसद था। मैंने किसी मौके पे पढ़ा था कि हुसैन ने उस शहीद का खून इस्लाम की रगों में उस वक्त तक नहीं डाला जब तक उस शहीद ने कलमाए मारिफत इमाम को समझ न लिया। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, आप मुत्तफिक हो या ना हो ये आपकी मर्जी है, मैं समझाता हूं। देखिए तमाम हो गई बात, अब मैं गुरेज कर रहा हूं तकरीर को। करबला ऐसे नहीं हुई कि इमाम हुसैन ने एक गाड़ी मदीने से भरी और लाके मक्तल में उसका मुंह खोल दिया, जाओ जाके कत्ल हो जाओ और इस्लाम तुम्हें शहीद कहेगा। नहीं, इमाम हुसैन ने करबला वाकियन पूरी हिकमत अमली से बनाई। आपको एक सूरत दिखला दूं और मैं इसे मुकम्मल कर दूं। इमाम हुसैन के बहुत सारे खुतबात, मैं सारे नहीं सुनाना चाहता, ये भी तकरीबन 24 सफे का है, मैं मुख्तसर करके सुनाता हूं ताकि बात पहुंच जाए। इमाम हुसैन ने शबे आशूर अपने साथियों को बुलाया जो इमाम हुसैन के साथ गए, और इमाम हुसैन ने कहा, मेरे प्यारे साथियों सुनो, ये फौजे अशकिया, ये लश्करे यजीद मेरे खून का प्यासा है, इन्हें तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, ऐसा करो तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, हुसैन अपनी जान खुद बचा लेगा, तुम्हारे खून की इन्हें जरूरत नहीं है। तवज्जो, मैं खुद कहता हूं कि मैं करबला ऐसे नहीं पढ़ता, समझ के पढ़ता हूं। इमाम हुसैन ने कहा, चले जाओ, इन्हें मेरा खून चाहिए ना, मैं अपना खून दे दूंगा, चले जाओ तुम सारे के सारे, उठो। उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जब्बादी मरहूम अल्लाह मकामा, वो कहते हैं कि एक न उठा, समझेंगे आप, एक न उठा हुसैन ने उसके बाद दूसरा जुमला कहा। अगर इस रुख से तकरीर सुनी हो तो दुआ ना दीजिएगा। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा अब भी नहीं जाते तुम, तो सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर हम चले गए तो हमें जन्नत ना मिलेगी, हुसैन जमानत देता है जब तक तुम जन्नत में ना जाओगे हुसैन जन्नत में कदम ना रखेगा, अब चले जाओ।
खतीब अकबर का जुमला मिर्जा मोहम्मद अथर साहब का हक है हुसैन को ये जुमला कहने का, इसलिए कि इमाम हसनैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। चले जाओ जाओ, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम्हारी शिफात ना होगी, मैं अपने नाना से तुम्हारी शिफात करवाऊंगा। अब चले जाओ, आप मुझे बतलाइए मिजाज समझा कर बला वालों को नहीं, अगर समझ लिया होता तो आप उससे पहले बोल देते। मिजाज समझा, इससे पहले जंगों में बुलाया जा रहा है। मैं भी तो पढ़ के गया हूँ कलमाए मारफत, इमाम यही तो है, मासूम बुला रहा है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ भेजा जा रहा है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ना गया। तवज्जो, आखिरी जुमला, उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, मेरी तरफ देखो, उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, आपकी समाज पे एतबार करते हुए मैं इस लबो लहजे में बात कर रहा हूँ, वरना उमूमन मैं ये बातें करता नहीं हूँ। तवज्जो, हुसैन इब्ने अली ने कहा, सुनो, अभी तुम नहीं जानते तो सुनो, अगर तुम इसलिए नहीं जा रहे हो कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम जिस गांव के रहने वाले हो, जिस शहर के रहने वाले हो, जिस करिए के रहने वाले हो, तुम जहां जहां से आए हो, तुम्हारे गांव वाले तुम पे हंसेंगे। ये गए थे हुसैन की मदद करने के लिए। अरे हुसैन तो है ही अखलाक का मुजस्समा, हुसैन तो मना करेंगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मगर तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया था, तुम हुसैन को छोड़ के चले आए। अगर तुम इसलिए नहीं जा रहे हो कि तुम्हारे गांव वाले, शहर वाले, करिए वाले तुम पे हंसेंगे, लो चलो। हुसैन, हुसैन तुम्हें एक बहाना दे रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, लो चलो, हुसैन तुम्हें एक बहाना दिए दे रहा है। मेरी तरफ देखो, लो चलो, हुसैन तुम्हें एक बहाना दिए दे रहा है। हबीब उठो, अली अकबर की कलाई पकड़ो, अपने वतन चले जाओ। कासिम की कलाई पकड़ो, सुहैर अपने घर चले जाओ। सुहैर उठो, की कलाई पकड़ो, अपने गांव चले जाओ। तुम्हारे गांव वाले जब तुमसे पूछे ना कि तुम तो हुसैन की मदद करने के लिए गए थे, तो कह देना हमारी हुसैन ने ड्यूटी लगाई थी अकबर को छोड़ने की, कासिम को छोड़ने की, और मोहम्मद को छोड़ने की। अब चले जाओ। इससे सुनिए करबला, अब चले जाओ। एक ना गया पहचाने मौला, ये तो वैसे ही कम है, और इन्हें आप बात भेजने की कर रहे हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इनको पत्थर पे, मैंने जुमला कहा, इन लोगों के अकीदे को मैं मारिफत संग पे घिस घिस के देख रहा हूं कि कोई रंग तो नहीं बदलेगा। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं तो मेरी इसलाह करिए, मैं इनको घिस घिस के देख रहा हूं कि इनमें कोई रंग बदलने वाला तो नहीं है। इसका मतलब यह, हुसैन को रंग बदलने वाला आदमी नहीं पसंद है। हल्का सा हुकूमत ने मंत्रालय क्या दे दिया, अयोध्या में माथा टेक दिया। हल्का सा मंत्रालय क्या दे दिया, अयोध्या में माथा टेक दिया। ये कौन सा रंग है जो गिरगिट की तरह बदल रहा है? हुसैन यही तो बताना चाह रहे हैं, मैं इनको घिस घिस के देख रहा हूं कि कोई कच्चा कलर तो नहीं आ गया, सारे पक्के कलर वाले हैं, तवज्जो चाह रहा हूं। उसके बाद हुसैन कहते हैं, अब भी नहीं जाते, चले जाओ। एक ना गया। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं, अच्छा, अगर इसलिए नहीं जा रहे हो हुसैन को छोड़ के कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए और तुम में से कौन पहले उठेगा, तुम सारे के सारे उसका चेहरा देख लोगे, बाहर जाके चेमी गोइया करोगे, पहले तुम उठे, पहले तुम उठे, पहले तुम उठे, अगर इसलिए
इसलिए नहीं उठ रहे हो कि सारे लोग तुम्हारा चेहरा देख लेंगे। लो हुसैन तुम्हें ये बहाना दिए दे रहा, अब्बास चराग गुल करो। जिनके हाथ उठ गए अल्लाह उनकी समाज को सलामत रखे। अब्बास चराग गुल करो। जनाबे अब्बास ने चराग को बुझा दिया। अब तो अंधेरा है, अब तो हुसैन तुम्हें नहीं देखता, अब तो तुम हुसैन को नहीं देखते, अब क्यों डर रहे हो? अब सब उठ के चले जाओ, अब तो बाहर जाके चेमी गोइया नहीं करोगे। पहले तुम उठे, पहले तुम उठे। बहुत देर जब हो चुकी, हुसैन ने आवाज दी, अब्बास चराग दोबारा रोशन करो। अब जो अब्बास ने चराग रोशन किया, मक्तल कहता है कि हुसैन का हर एक शहीद अपनी तलवार को नियाम से निकाल कर अपनी गर्दन पे रख के एक जुमला कह रहा था, फरजंद जहरा कितना ही इतिहाल लीजिएगा, अल्लाह तुम्हें सलामत समझे। नासिराने हुसैन फरजंद जहरा कितना ही इतिहाल लीजिएगा। हबीब जोहर सईद खड़े हो गए और खड़े होके कहते, मौला आपको क्या लगता है हम जन्नत के लिए आए? मौला हमें जन्नत चाहिए होती, हमें हमारे गांव में मिल जाती। मौला हम जन्नत के लिए नहीं आए, मौला हमें जन्नत की लालच नहीं है। मौला ये बतलाइए, अगर हम चले गए हमें जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन मौला ये तो बतलाइए, अगर हम आपको छोड़ के चले गए आपकी माँ को क्या मुंह दिखलाएंगे, नाना को क्या मुंह दिखलाएंगे? इतना सुनना था हुसैन ने अपने असहाब को गले से लगा के कहा, जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे चाहने वाले न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे भैया को मिले। अजर को मनाना, ये जुमला यहाँ का है जिसको खुतबा बहुत जल्दी से पढ़ देते हैं। जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे चाहने वाले न मेरे बाबा को मिले, न मेरे लाला को मिले, न मेरे भैया को मिले। रोने में शर्माया ना करो, ना हिचकिचाया ना करो। शहजादी ने मुझे शहनशाह मसाहिब का लकब दिया, तो एक जुमला तो बनता है ना। वो जुमला मैं आपसे कहूँ, इस फर्श अज़ा पे जब आया करो ना तो इस फर्श अज़ा को चूमा करो, बोसे दिया करो। जब आया करो तो इस फर्श अज़ा पे आके दुआ मांगा करो, और जब मजलिस हो जाया करे ना तो फौरन फर्श अज़ा को समेट ना दिया करो, फर्श अज़ा को बिछा रहने दिया करो। आप कहेंगे मौलाना साहब मजलिस खत्म हो गई अब तो फर्श अज़ा समेट दे, नहीं अल्लाह दरबंदी कहते हैं फर्श अज़ा पे क्रिया करके तुम तो उठ जाते हो, मगर कुछ बीबियां आती है जो बहुत देर से बैठी हुई रो के कहती है, ए मेरे बाबा ए मेरे बेटा। अजर हाँ अल्लाह आपके गिरिये को सलामत। हाँ रोना ना आए, सरों को नीचे कर लिया करो, सरों को नहड़ा दिया करो। रोने से इंसान के चेहरे बदसूरत नहीं होते, खूबसूरत होते। रोने में शर्माया ना करो, बाबा से बुलंद रोया करो। जिसके इतने बावफा साथी हो, अब वो हुसैन जो फखरी अंदाज में कह रहा हो, जैसे चाहने वाले मुझे मिले वैसे चाहने वाले न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे भैया को मिले, वही हुसैन अभी कुछ देर के बाद मक्तल में अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के कह रहा है, हबीब तुम भी चले गए, सईद तुम भी चले गए, जोहर तुम भी चले गए, औल मोहम्मद तुम भी चले गए। अल्लाह तुम्हारे गिरिए को कबूल करे। रिवायत कहती है, हाँ मैं मसाए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपनी कमर पे हाथ रख के बड़ी बेदर्दी से एक जुमला कहा, फुरात की तरफ रुक करके कहते, अब्बास तुम भी चले गए। अब्बास की लाश तड़पने लगी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया, वरना मैं आपका साथ न छोड़ता। इमाम हुसैन ऐसे, और जाहिर है कि पूरी तफसीलात मुझे नहीं पढ़नी, मैं एक जुमला जरूर पढ़ूंगा कि जब बात आ गई है जनाब अब्बास की, तो दुआ करिएगा कि परवरदिगार इस मजलिस के मसाइब के तुफैल में अल्लाह आप तो मौला अब्बास की ज़ियारत करें।
और खुश नसीब होगा वो आदमी जो मौला अब्बास के उस मकाम की ज़ियारत कराए जिसको सरदाब कहा जाता है। हर एक आदमी नहीं जाता। एक काफला ज़ियारत के लिए मौला अब्बास की गया, इत्तेफाक से एक ज़ाहिर बड़ा खुश नसीब था, इजाजत मिल गई कि जाओ तुम सरदाब में ज़ियारत कर लो। सरदाब वो जगह है जहां पे जनाब अब्बास की असल कब्र है और कब्र के चारों तरफ पानी तवाब कर रहा है। बड़ा खुश नसीब जाहिर था मौला अब्बास के रोजे पे, और मौला अब्बास की जब कब्र पे पहुंचा है तो गलेजा मुंह को आ गया और रोते रोते कह रहा था कि बतलाया ये गया है कि ये अब्बास की कब्र है, लग तो ये रहा है कि ये असगर की कब्र है। अल्लाह अल्लाह थक गए, थकिएगा नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं। कहता यही है कि मुझे तो ये बताया गया कि ये अब्बास की कब्र है, ये तो असगर की कब्र लगती है। बहुत देर तक रोया और रो के कहते हैं अब समझ में आया ज़ैनब क्यों सज्जाद से पूछ रही थी, सज्जाद सही बताओ मेरा अब्बास तो तवीलुल काबा था, ये छोटा कैसे हो गया। सज्जाद बातम करके कहते खुबी अब्बा सज्जा के लाशे पे इधर के घोड़े इधर के घोड़े इधर। अजरों को मनाना। रिवायत कहती है के इसने जल्दी से, हाँ मैं रुक के पढ़ता हूँ मसाइल बस खत्म कर रहा हूँ, ये कहता है कि मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उस शीशी में उस पानी को भरा और जल्दी से उसको बंद कर दिया, अपने कलेजे से लगा के मैं बाहर आ गया। बाहर काफले वालों को पता लग गया, सारे काफले वाले कहने लगे भैया तू तो बड़ा खुश नसीब है, वो थोड़ा सा पानी हमें भी दे दे, थोड़ा सा पानी हमें भी दे दे। ये जाहिर कहता है नहीं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देता, करेगा क्या, कहता है किसी को नहीं दूंगा, ये पानी लेके मैं जिंदाल में जाऊंगा सकीला की कब्र पे, पानी उड़ेल के कहूंगा सकीला अब्बास ने पानी भेजा है। अजरों को मन अल्लाह, अजरों को मन अल्लाह, अजरों को मन अल्लाह। अल्लाह आपके गिरिए को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी करे। बीबी आ जाइए, या ज़दार आमाने गिरिया हो गए, बीबी अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो इनकी गलतियों को माफ करिएगा। ए मेरे इमाम ज़माना आप भी आ जाइए, बाबुल हवाइज का जिक्र है, दिल खोल के रो रहे हैं ज़दार। रिवायत के जुमले हैं, मैंने खत्म कर दी बात। रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन ज़मीन कर्बला पे, इमाम हुसैन बहुत लड़े, मैं पूरा मक्तल छोड़ रहा हूँ, इमाम हुसैन बहुत लड़े, वो लड़ते 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 जब निदाए गैबी आई ए नफ्से मुतमईना पलटा इस हाल में कि अल्लाह तुझसे राजी तू अल्लाह से राजी। हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें सिंटी, हुसैन ने अपनी पेशानी कब्जे तलवार पर रख के हुसैन सर नीचे करके बैठ गए। उमरे साथ अल्लाह इसके खानदान पे लानत करे, ये खड़े होके कहते हैं डर क्यों रहे हो, अब ये हुसैन वो वाला हुसैन नहीं है। परवरदिगार ये जुमला ना पढ़वाए मुझसे, ये मलून कहता है अब ये हुसैन वो वाला हुसैन नहीं है, ये हुसैन गरीब हो गया, ना इसके पास अब्बास है, ना अकबर है, ना कासिम है, ना औलो मोहम्मद है, अब इसके पास कोई नहीं है। अब सुनो, जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा इस हुसैन के ऊपर उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा बादशाह की तरफ से। अगर संभाल ले गए मसाइब समझूंगा कि पत्थर का टुकड़ा लेके आए हो, गोश का कलेजा इतनी बड़ी मुसीबत नहीं सुनता। इनाम का नाम आया, 12 कातिल निकले, हुसैन के चारों तरफ टहलने लगे। मेरी तरह देखो, हुसैन के चारों तरफ 12 कातिल टहल रहे हैं, जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा उसे उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। इनाम की बात आई, सकीला खेमे पे है, सकीला ने फिजा से पूछा अम्मा फिजा
ये कातिल क्यों आए हैं? बेटा ही नहीं लाभ चाहिए, बेटा ही नहीं लाभ चाहिए। सकीला कहती है अगर मैं ही नहीं लाभ दे दूं क्या मेरा बाबा बच जाएगा? अल्लाह अकबर, क्या मैं ही नहीं लाभ दे दूं मेरा बाबा बच जाएगा? हाँ बच जाएगा। सकीला जल्दी से अंदर गई, अपने सर से चादर उतारी, हर बीबी के सामने फैला के कह रही है अगर कुछ हो तो दे दो मेरा बाबा बच जाएगा। बारह कातिल थे। एक कातिल आगे बढ़ा, हुसैन ने अपनी पेशानी को नीचे कर रखा है। एक बेगैरत कातिल आगे बढ़ के कहता है हुसैन हुसैन हुसैन। तीन मर्तबा जब कह चुका, हुसैन ने जैसे अपना चेहरा उठाया, इस जालिम ने फजली पत्थर उठाया हुसैन के मुंह पे मारा। हुसैन ने आवाज अब्बा